अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लार्ज बाई क्राउम हेयर। आज लेक्चर 22 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। आज के हमारे लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2.10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, अ बायोलॉजिस्ट वाज इंटरेस्टेड टू नो वेदर मेल स्पाइडर्स आर लॉन्गर और फीमेल स्पाइडर्स। ही कलेक्टेड रैंडम सैंपल ऑफ फीमेल एंड मेल ग्रीन लाइनेक्स स्पाइडर्स गिवन बिलो, एडवाइस हिम। फर्स्ट कॉलम में आपको लेंथ ऑफ फीमेल स्पाइडर्स प्रोवाइड की गई है, नेक्स्ट कॉलम में आपको लेंथ ऑफ मेल स्पाइडर्स प्रोवाइड की गई है। अगर अपने एक्सरसाइज के थ्रू देखें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2.10, ये देखें यहाँ पे भी यही है। तो ये क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस करना है, देख लेते हैं। इसमें कहा गया है बायोलॉजिस्ट वॉज इंटरेस्टेड टू नो, कि कोई बायोलॉजिस्ट है वो जानना चाह रहा है कि वेदर मेल स्पाइडर आर लॉन्गर और फीमेल स्पाइडर, कि वो देखना चाह रहा है कि जो मेल स्पाइडर हैं वो ज़्यादा देर ज़िंदा रहती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल स्पाइडर, या फीमेल स्पाइडर्स ज़्यादा ज़िंदा रहती हैं, ज़्यादा देर ज़िंदा रहती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल स्पाइडर्स। उसने कोई रैंडमली सैम्पल्स चूज़ किए हैं जो कि हमें प्रोवाइड किए गए हैं, और हमें उसने जस्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया एडवाइस हिम, कि आपने उसे एडवाइस करना है। हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने लेट किया, लेट एक्स एफ इज़ इक्वल टू फीमेल स्पाइडर्स और एक्स एम इज़ इक्वल टू मेल स्पाइडर्स। और क्वेश्चन में हम लोगों ने ये किया जी एक्स एफ मेरे पास फीमेल स्पाइडर्स हैं और उनकी वैल्यूज़ को हम लोगों ने इस तरह कॉलम्स की शेप में अरेंज कर ली है, और एक्स एम इज़ इक्वल टू मेल स्पाइडर और उसकी वैल्यूज़ को हम लोगों ने एमसी में लड़ ली, हम लोगों ने इस तरह वैल्यूज़ अरेंज कर ली। क्वेश्चन में जस्ट हमें कहा गया है एडवाइस हिम, हमने उस बायोलॉजिस्ट को एडवाइस करने। जनरली अगर हम देखेंगे, अगर मेरे पास एवरेज लाइफ टाइम ऑफ फीमेल स्पाइडर और एवरेज लाइफ टाइम ऑफ मेल स्पाइडर आ जाए, तो जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी हम कहेंगे जी ये स्पाइडर्स जो हैं मेल या फीमेल ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकते हैं। एवरेज ऑफ फीमेल स्पाइडर, हम देख रहे हैं कि हमारे पास है एवरेज ऑफ फीमेल स्पाइडर्स, वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। हम लोगों ने लिख लिया कि इट इज़ एवरेज की बात जब भी होती है तो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तो इट्स मीन हम लोगों ने एक्स बार फीमेल के लिए अलग निकालना है और मेल के लिए अलग निकालना है, विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स एफ एन ऑफ एफ। एक्स ऑफ एफ का मीनिंग है कि आपने सम कैलकुलेट करना है जो रैंडम सैंपल्स हैं फीमेल स्पाइडर्स के लिए, मीन्स इन तमाम वैल्यूज़ का आपने को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करें तो मेरे पास आंसर आता है 129। और एन ऑफ एफ का क्या मतलब है, एन ऑफ एफ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ फीमेल स्पाइडर्स, कि कितनी मेरे पास फीमेल स्पाइडर्स की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, या कितनी फीमेल स्पाइडर्स का हमारे पास सैंपल चूज़ किया गया। तो आप देखें एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22। तो ये मेरे पास 22 वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे एवरेज ऑफ फीमेल स्पाइडर मेरे पास आएंगी, इट्स मीन एक्स बार एफ आ जाएगा 129 / 22, और ये मेरे पास आएगा 5.86। इसे हाईलाइट कर लेते हैं। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने एवरेज ऑफ फीमेल स्पाइडर्स कैलकुलेट की हैं, इसी तरह ही हम एवरेज ऑफ मेल स्पाइडर कैलकुलेट करेंगे। एवरेज ऑफ लिख लेंगे, एवरेज ऑफ मेल स्पाइडर्स इज इक्वल टू एक्स बार मेल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और हम लोगों ने लेट भी इसी तरह किया कि हम मेल वाले डेटा को या मेल स्पाइडर्स वाला जो डेटा है मेरे पास उसे हम एक्स एम ले रहे हैं, तो इट्स मीन अगर हमने एवरेज निकालनी है तो सिमिलरली एक्स बार एम कैलकुलेट करेंगे, वो भी जैसे हम लोगों ने एक्स बार एफ कैलकुलेट किया है उसी तरह ही हम एक्स बार एम कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स एम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। कर हम लोगों ने क्या करना है, जो मेल स्पाइडर्स का डेटा हमें दिया गया है इसका सम अप कर देना है, इट्स मीन इन तमाम वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और देखते हैं इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके आंसर क्या आता है। तो आप देख लीजिएगा आपके पास आंसर आएगा 161.3 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ, से एन ऑफ एम मेरे पास इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ मेल स्पाइडर्स। देख लेते हैं हमें कि मेल स्पाइडर्स का डेटा प्रोवाइड किया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। तो 20 मेल स्पाइडर्स का हमारे पास डेटा मौजूद है।
वैल्यूज़ को डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। 8.xm आ रहा है, 8.065। अगर हम दोनों वैल्यूज़ को कंपैरिजन करें, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ फीमेल स्पाइडर एंड एवरेज लाइफ टाइम ऑफ मेल स्पाइडर, तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि एवरेज लाइफ ऑफ मेल स्पाइडर ज़्यादा आई है। ये है वैल्यू है 8.06 और ये है 5.86। तो हम इसे क्या एडवाइस करेंगे? सो मेल स्पाइडर हैज़ अ लॉन्गर लाइफ एज कंपेयर टू फीमेल स्पाइडर्स। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। सम ऑफ एक्स एम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एम। ये था सॉल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.10 का। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। स्टिल आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी बेहतर रहनुमाई की जाएगी। लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।